सेवा के बाद आराधना के बाद हम सब मिलकर उसके लिए भोग में सम्मिलित होंगे और मिलकर भोजन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस समय है कि प्रभु के दास आज परमेश्वर का संदेश हमारे मुखों में रखने जा रहे हैं और मैं प्रभु के दास को आमंत्रित करता हूँ भाई समर मैसी को और हम सब खड़े होकर जब प्रभु के दास आते हैं तो है ना वो दुगने आदर के पात्र खाली करके बुला लेना मम्मी को। उनका हृदय फंडामेंटल आ जाएगी।
गया, उनका हृदय आनंद से भर गया, उनका दुख बोझ अब दर्द दूर। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय जवान, मेरे प्रिय भाई, आज यीशु मसीह आपके पास आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं दया का सागर क्षमा का सागर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं अपने खून से तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे हो, तुम अकेले नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। मेरे प्रियो, आज की सुबह आज हम देखेंगे यशया 39 और उसका 15 और 16। समय की कमी के कारण मैं आपको जो वचन है वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा। यशया उसका 39 और 15 और 16 वचन आज या 49, 15 और 16 वहां लिखा हुआ है, क्या एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? हाँ वो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा एक परमेश्वर, वो जो इस सृष्टि को बनाने वाला, सूर्य तार सर सितारों का, मनुष्य जाति का बताने वाला, वो आपसे प्यार करता और कहता है वो एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु मेरा बच्चो मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यदि हम पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय और उसका 7 वचन, वहां यीशु मसीह ने कहा, ओ तुम्हारा स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे सिर के बाल तक गिन के रखे हुए। जब हम ना अपना दिल में रखते हो, जब यीशु को देते, यीशु से कहते मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना ले, अपने खून से मुझे धो यीशु, आज आपके दिल में आएगा। अगर आप इसे कहेंगे, यीशु संसार की शांति मुझे शांति नहीं देती, संसार का आनंद कुछ समय का होता है, मेरे दिल में आइए यीशु मसीह, आज आपके दिल में आके आपको शांति। 10 मिनट के लिए वहीं खड़े रहना। बाइबल में लिखा हुआ है लूका 12 उसके 7 में, ये उसने हमारे सिर के बालों को गिन रखा है। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटियों से, परंतु यदि हम उनके सिर के बाल कभी गिनने की कोशिश करेंगे, हम कभी गिन नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता तो उसने हमारे सिर के बालों को गिना हुआ। मेरे इसलिए यीशु मसीह आपसे प्यार करते, उसने आपके सिर के बालों को गिना हुआ है। आपके जीवन में जो भी दर्द होता, आपके जीवन में जो भी परेशानी होती, वो प्यार करने वाला यीशु आज दया से भरा हुआ। जब हम ये धन्यवाद ही वो सब मनाते, प्रभु यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 पहला वचन कहता, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, वो आपके दुख दर्द में उसकी करुणा को जाहिर करेगा और अपनी करुणा से आपके सिर को मुकुट बांध करेगा, आपके सिर पर करुणा का मुकुट बांधेगा और आपको दया से, अपनी दया से घिरे रहेगा। भजन संहिता 32:10 में लिखा हुआ है, उसकी दया हमें घेरे रहती है, उसकी दया हमें घेरे रहती है। मेरे प्रियो, यीशु आपसे प्यार करता है। यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 46:15, भजन संहिता 103 उसका 8वां वचन, भजन संहिता 111 उसका 4वां वचन, भजन संहिता 116 उसका 5वां वचन, भजन संहिता 145 और उसका 8वां वचन, वहां लिखा हुआ है सब वचनों में, जो ये 2-3 में और भी कई ढेर सारे वचनों में लिखा हुआ है, प्रभु हमारा भला है, अनुग्रह से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, और वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, पूरा तरस से भरा हुआ, पूरा प्यार से भरा हुआ है। और जब ये परमेश्वर, जब इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जाहिर हुआ, पहला तिमोथी 3:16 उसका 16वां वचन कहता, परमेश्वर जो था मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर, वो जब जाहिर हुआ उसका नाम
बंधन है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दुनिया में थे, लोग भीड़ उनके पास आती और सब उनको छूना चाहती थी, क्योंकि बाइबल कहती है जब कोई भी उसके वो वस्त्रों के एक अंश को छू लेता तो सामर्थ्य मिलती थी, और जो भी छूता था उसका जो भी बीमारी हो, जो भी दर्द हो, वो सब दूर हो जाता। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और भीड़ यीशु मसीह के पीछे बोले, वहां रास्ते में तो भिखारी बैठे थे, अंधे थे। हम मेरे भी हमारे पास आके हैं, हम ये सुंदर लाइट को देख सकते हैं, सफेद लाइट को देख सकते हैं, बाहर के सुंदर नीले आसमान को देख सकते हैं, पेड़ों को देख सके, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, परंतु वो भिखारी अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, कभी उन्होंने देखा नहीं, और उनका जिंदगी जो थी निराशा से अंधकार से खड़ी हुई थी। और जब उन्होंने सुना यीशु मसीह हमारे पास से जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं, चंगाई के लिए तोड़े खाए। और मेरे प्रियो, अभी कुछ दिन पहले एक विशेष
प्रकाश मुझे बाइबल में से मिला जब मैं बाइबल पढ़ा था। मेरे प्रियो, आज इतने अनगिनत लोग, हमारे रिश्तेदार यहाँ, आप यहाँ बैठे हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी से कितने लोग ग्रसित है, अस्पताल में जाके देखिएगा, इतने लोग ब्लड प्रेशर की से ग्रसित है, दवाइयां खाते परंतु वो ठीक नहीं हो पाते। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मुझे गतसमनी के बाद में वहां के वचनों में ले गए और मुझसे कहा वहां मैं पढ़ू, तो मैंने पढ़ने लगा मत्ती 36 और उसका 38वां वचन। वहां लिखा हुआ है मत्ती 36 और उसका 38वां वचन, यीशु मसीह बड़ी वेदना के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़े दुख के साथ गतसमनी के बाद में जब वो क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्हें मालूम था और लोग उन्हें उन पर थूकेंगे, उनकी दाढ़ी को नोचेंगे, पीले से उनके हाथों को, उनके पैरों को थूकेंगे, उनकी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे और एक एक कोड़े में जो नौ नलियां रहती है उससे उसका मांस पूरा निकल आएगा। और जैसा खेत में हल चलाते हैं वैसे ही उसकी पीठ पर वो चाबुक जो था नौ नौ नलियों का वो मारेंगे 39 कोड़े और उससे पूरी उनकी पीठ जो है छलनी हो जाएगी। भजन संहिता 22:17 में लिखा हुआ है, वो दाऊद राजा कहता है यीशु मसीह के बारे में कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। यीशु ने इतने कोड़े खाए, एक कोड़े की वार से पूरा मांस निकल आता और हड्डियां दिखती होगी, यीशु मसीह की हड्डियां दिखती होगी। यदि आपने वो पैशन ऑफ क्राइस्ट वो फिल्म देखी है उसमें बताया गया यीशु ने कितने दुख और दर्द हमारी चंगाई के सहा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मेरे बेटे गतसमनी के बाद में मैं बड़ी व्याकुलता से, बड़े दुख से, बड़े दर्द से भरकर, बड़ी वेदनाओं में होकर मैं प्रार्थना कर रहा था, सारे संसार का दुख, सारे संसार की पीड़ा मेरे ऊपर आ गई और मैं इतने वेदना में प्रार्थना करने लगा ओ कि मुझे ये दुख में से होके जाना होगा, क्या क्या ये जरूरी है मेरे लिए, क्या ये दुख का कटोरा मुझसे दूर नहीं हो सकता। उसने अपने पिता से, परमेश्वर पिता से दो बार प्रार्थना की, हे पिता यदि तू चाहे तो इस दुख के प्याले को हटा ले। बाइबल में लिखा हुआ है लूका 22वां अध्याय 40 से लेके 44 तक, वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह ने इतनी वेदना के साथ और रोने के साथ प्रार्थना की कि उसका जो पसीना था लहू की बूंद के रूप में गिरने लगा, लहू के बूंद के रूप में उसका पसीना। वो ठंडी रात को जब गतसमनी के बाद में जब वो प्रार्थना कर रहा था, सारे संसार की दुख, सारे संसार की पीड़ाएं, सारे संसार की वेदनाएं यीशु मसीह के ऊपर आ गए। बाइबल बताती है उसका पसीना लहू के रूप में निकलने लगा। बाइबल विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ कहते हैं जब ये पसीना, हमारा पसीना जब गिरता तो वो खून नहीं बनता, परंतु यीशु मसीह का पसीना उस समय क्यों खून बन गया, लहू की बड़ी बूंद के रूप में क्यों बह रहा था, क्योंकि वो एक भयानक ब्लड प्रेशर से, उसका जो ब्लड प्रेशर था वो काफी बढ़ गया था और उसके कारण वो जो पसीना था वो खून की बूंद के रूप में यीशु मसीह के शरीर से बहने लगा। आज मेरे प्रियो, यदि आज आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, यीशु ने कहा, यीशु ने वादा किया, मेरे बेटे यदि तू इस बात का प्रचार करेगा, इस बात को मेरे बच्चों से कहेगा कि मैंने उनकी ब्लड प्रेशर को, उनकी सारी बीमारियों को, उनके सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 8:17 वचन कहता यीशु मसीह ने स्वयं हमारी सारी बीमारियों को, हमारी सारी निर्दयताओं को, वो हमसे प्यार करता, उसने क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि आज आप ब्लड प्रेशर से परेशान है और उससे बीमार है, यदि आपके रिश्तेदार ब्लड प्रेशर से बीमार है, मैं चाहता अपनी आंखें बंद करें, यीशु ने वादा किया उन्हें याद करें अपने रिश्तेदारों को। यदि आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, आप अपने सीने पर अपना हाथ रखिए, ओ अद्भुत यीशु ने, प्रेमी यीशु ने, चंगाई देने वाले यीशु ने आज वादा किया, मेरे बेटे जब तू गतसमनी के बाद में जो मैंने उनके सारी ब्लड प्रेशर की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, मेरा पसीना जो था लहू के रूप में, खून के रूप में बहने लगा, क्योंकि मैं उन्हें उनके अपने प्यार से जो उनसे करता हूं उनकी सारी बीमारियों को ले लिया। इसलिए हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करें।
सुन रही थी और उनका दिल आनंदित हो रहा था। बाइबल कहती थी
सुनती रही। लुका 4:22 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अनुग्रह के शब्द बोले, इसलिए भीड़ की भीड़ आई, प्यार से भरकर और करुणा से भरकर, अनुग्रह से भरकर यीशु मसीह ने लोगों से बात की और लोग 3 दिन तक वो अपनी और कामों को भुलाकर, भूख को भुलाकर यीशु मसीह के प्यार भरे वचनों को सुन रहे थे। मेरे प्रियो, जब 3 दिन खत्म हुआ, ओ जब यीशु मसीह ने देखा कि मैं ये भीड़, ये मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे यहाँ मेरे वचनों को सुन रहे हैं, उसका दिल जो था प्यार से तरस से भर गया। उसने कहा, मैं ये भूखे नहीं भेजना चाहता, मैं इन्हें भूखे नहीं भेजना चाहता, क्योंकि कई लोग काफी दूर से आए हुए हैं और कई लोग व्याकुल है और उनको भूख लग रही है। अगर वो पैदल जाएंगे तो बीच में हो सकता भूख के मारे उनको कमजोरी आ जाए और वो गिर पड़े। वो उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मैं उन्हें खाना देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास क्या है? चेले लोगों ने कहा, इतनी भीड़, बताती है 4,000 पुरुष थे केवल, 4,000 पुरुष, और यदि उनके परिवार में 4-5 बच्चे और उसकी पत्नी मिला ले तो करीब 20,000-25,000 की भीड़ थी। मेरे प्रियो, 20,000-25,000 की भीड़ को लोगों को प्रभु यीशु के चेलों ने कहा, हम कैसे उन्हें खिला सकते, कैसे उन्हें खिला सकते, इतनी भीड़ हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खाने का लिए वो खाने की वस्तुएं नहीं है। और जो वो जगह थी वो एक व्यायाम थी, वहां पर और कोई दूसरा चीज खाने का नहीं मिलता था। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा, केवल 7 रोटी और कुछ मछलियां, केवल 7 रोटी और कुछ मछलियां। यीशु ने कहा, उसे लाओ मेरे पास। यीशु ने अपने हाथों में लिया, और धन्यवाद दिया, उसे आशीष दी। और एक के बाद एक वो उनको बैठा के, 20,000-25,000 की भीड़ को बैठा के, एक के बाद एक वो बांटने लगे। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो 20,000-25,000 की भीड़ खा के तृप्त हुई, उनका पेट अच्छे से भर गया। और कितनी टोकरियां बची? 7 टोकरियां बची, ओवरफ्लो, भरपूरी से 7 टोकरियां बची। और एक और बात की बात है, 5 रोटी और 2 मछली थी। और यीशु मसीह ने वो भीड़ में भी 20,000-25,000 की भीड़ थी, 12 टोकरी बच गई, लोग खा के तृप्त हुए। आज यहाँ मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, यदि आज आप खड़ी में बैठे हैं, यदि आप कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास घर को किराया देने के लिए पैसे नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे बच्चों के परीक्षा के लिए, उनके स्कूल के लिए फीस नहीं, जब आप ये दिल के डर से आप यीशु को पुकारते, उसे याद आता जब मैं दुनिया में था, मैंने वही काम किया। आज आपकी आमदनी कम है, आप छोटी नौकरी करें, नौकरी नहीं आपके पास, जब आप अपने दिल के दुख से पुकारते, यीशु मसीह उस दुख को छानता, यीशु मसीह इस दर्द को छानता, और आज आपके आंसू को पोंछेगा, आपके लिए वो प्रबंध करेगा, आपको एक अच्छी नौकरी देगा, आपको जो चाहिए वो सब देगा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने कहा, वो मत्ती 7:7-10 वचन पर, वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी जरूरत को लेके बैठे हैं और रो रहे हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं करता।